एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चने की सब्जी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। आज हम बनाने वाले हैं चने की सब्जी। चने की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी, जीरा, सूखी मिर्च और तेजपत्ता। इसके लिए पहले हमें कढ़ाई को धीमी आंच पे चढ़ाकर उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर तेल को हीट करने के लिए कुछ टाइम तक छोड़ देना है। तेल हीट होने के बाद उस पर थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे ताकि सब्जी का टेस्ट और कलर अच्छा आए। थोड़ा वेट करेंगे जब तक कि चीनी का कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। चीनी का कलर ब्राउन होने के बाद उस पर हम एक सूखी मिर्च, जीरा और तेजपत्ता ऐड करके उसको थोड़ा सा धीमी आंच पर फ्राई होने के लिए देंगे। सब कुछ अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम उसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे जो कि मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रखा था। अभी हम उसको लो फ्लेम में फ्राई करने के लिए दे देंगे जब तक कि मसाला अच्छे से फ्राई ना हो जाए। मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद उसमें बॉईल किया हुआ चना और आलू डाल देंगे जो कि मैंने पहले से ही बॉईल किया हुआ है। सबको अच्छे से मिक्स करके कुछ समय तक हाई फ्लेम में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देंगे। पानी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे।